Hello students, welcome back in my maths class. I hope you all are working hard for your class test. आपको कल inform था कि आपका आज class test है. उस class test के लिए कुछ questions हैं, वो मैं आपको explain कर रही हूँ. आपको ये class test अपनी notebook में solve करना है. आपको एकदम neat and clean लिखना है और जो भी आप digit लिखो उनके बीच में आपको प्लेसिंग कोमा, अगर हमें डिजिट लेक थाउजेंड करोड़ में हो तो उनके बीच में कहाँ कोमा का यूज़ करना है हमें, आपको वो भी प्रॉपर यूज़ करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर वन है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स एंड ऑल्सो मार्क द पेयर्स इन द आंसर. कि आपको यहाँ पे सम्स हैं उनको पहले तो क्या करना है, सॉल्व करना है एंड उनका पेयर्स मार्क करने हैं. ओके, फर्स्टली एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, कोई भी सम हम सॉल्व करें उसके पहले हमें उनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है प्रॉपर वे में. अरेंज इट मींस सबसे बड़ा डिजिट, देन छोटा, देन उससे छोटा डिजिट. तो ये होता है अरेंज करना. बिकॉज अगर आप सपोज आपने लिखा है करोड़ की डिजिट है, फिर आपने लिख दी लेख की डिजिट, फिर आपने लिख दिया टेन लेख का डिजिट, तो ये इम्प्रॉपर वे हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर वे में नहीं होगा. तो आप पहले इनको अरेंज करना कि पहले करोड़ का, फिर टेन लेक, फिर लेक टेन थाउजेंड थाउजेंड. ओके, पहले अरेंज करके साइन मार्क करना कि आप एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उसका साइन, देन आप उसको सॉल्व करना है एंड मार्क द पीरियड्स इन द आंसर. और आपको आंसर में पीरियड भी मार्क करना है. पीरियड इट मींस हम जो कोमा लगाते हैं, लेक टेन थाउजेंड, टेन लेक करोड़, टेन करोड़ में आपको वो कोमा भी मार्क करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी है. वर्ड प्रॉब्लम के लिए फर्स्टली होता है कि हम जो भी क्वेश्चन है उनको पहले अच्छे से रीड करें और उसको समझें कि क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप है, आपको उसको कैसे लिखना है. और जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो वर्ड प्रॉब्लम्स के, आप विद लैंग्वेज लिखना. बिकॉज कई स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ जो डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर देते हैं, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी सम होता है उनमें डायरेक्ट आंसर सोल्व करके और उसको वहीं छोड़ देते हैं. आपको विद लैंग्वेज पर्पस शो करना है. ओके, तो फर्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 32,76,000. एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 32,76,000. आउट ऑफ दीज 14,42,400 आर मेल्स. उनमें से 14,42,400 क्या है, मेल्स है. हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन द टाउन. तो आपको ये बताना है कि टाउन में अब फीमेल्स कितनी हैं. ओके, बी है, मिस्टर सेन हैज़ 14,12,600 इन हिज बैंक अकाउंट. हिज वाइफ हैज़ ₹5,00,000 इन हर बैंक अकाउंट एंड देयर सन हैज़ ₹15,888 इन हिज बैंक अकाउंट. हाउ मच मनी डू दे हैव इन ऑल. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो मिस्टर सेन हैं उनके बैंक बैलेंस, उनकी वाइफ का बैंक बैलेंस और उनके बेटे उनके सन का बैंक बैलेंस दे रखा है कि तीनों के बैंक में इतना इतना अमाउंट है. आपको पूछा है हाउ मच मनी डू दे हैव इन ऑल, उन तीनों का या उन जो तीनों का मिला के टोटल कितना मनी बैंक में होगा या उन तीनों की मनी है वो कितनी होगी. ओके, तो आप ये जो भी वर्ड सम्स हैं इनको आप एकदम प्रॉपर वे में विद लैंग्वेज इसको सॉल्व करना एंड बिना किसी की हेल्प के आपको ये क्लास टेस्ट, आपका क्लास टेस्ट वन ये आपको सॉल्व करना है बिना किसी की हेल्प के. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.